तो वेरिएबल लेंथ एरेज इन सी प्रोग्रामिंग से एक ये प्रोग्राम देखते हैं। इसमें एक प्रिंट 1D एरे नाम का फंक्शन है, एक प्रिंट 2D नाम का 2D एरे नाम का फंक्शन है। जो प्रिंट 1D एरे नाम का फंक्शन है उसमें इनपुट में दो पैरामीटर्स हैं, पहला है पैरामीटर एरे की साइज़ है और दूसरा एरे है। जो प्रिंट 2D एरे है उसमें पहले दो पैरामीटर रो एंड कॉलम है और तीसरा 2D एरे है। मेन फंक्शन है उसके अंदर हमने एक कुछ पैरामीटर्स डिक्लेयर किए हैं, पहला है एरे साइज, दूसरा रो 1 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2 नाम के कुछ वेरिएबल्स हैं। अब हम पहले रीड करते हैं एरे 1 है उसका जो 1D एरे है उसकी साइज, तो एरे साइज को रीड कर लिया। बाद में जो नेक्स्ट हम एरे 2D एरे ले रहे हैं तो उसके रो 1 एंड कॉलम 1 को एक मैट्रिक्स हम लेंगे, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ हैं तो उसके कितने रोज लेंगे कितने कॉलम्स हैं वो रीड कर लिए। नेक्स्ट हमने एक दूसरी एरे के लिए रो 2 एंड कॉलम 2 रीड कर लिए। अब जो एरे डिक्लेरेशन है वो करते हैं। ये सब रीड करने के बाद में हम एरे 1 की साइज डिक्लेयर करते हैं, एरे 1 डिक्लेयर करते हैं। तो ये सिंगल 1D एरे है, इसकी साइज, तो एरे साइज हमने यहाँ डिक्लेयर कर दी, एरे 1 है उसकी साइज एरे साइज दे दी जो हमने अभी रीड किया था। बाद में 2D एरे लेते हैं, एरे 2D1 एंड एरे 2D2, ये दो एरे लेते हैं जिनमें हमने रो 1 एंड कॉलम 1 रो 2 एंड कॉलम 2 जो वैल्यूज रीड किए हैं वो इसकी साइज है। तो यहाँ पर हम जब प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उस समय हम डिसाइड करेंगे कि एरे की साइज क्या होनी है, फिर इन एरेज को वैल्यूज असाइन करते हैं। तो इनिशियलाइजेशन में जो पहली सिंगल डायमेंशनल एरे है उसमें उसकी सबस्क्रिप्ट का स्क्वायर उसको असाइन कर देते हैं, मतलब एरे का 5th एलिमेंट है उसकी वैल्यू 25 होगी, एरे का 10th एलिमेंट है उसकी वैल्यू 100 होगी। एरे जो 2D एरे जो है 2D एरे है उसमें पहली एरे है उसमें एलिमेंट्स की वैल्यू i+j होगी, दूसरी एरे है उसमें भी एलिमेंट्स की वैल्यू i+j होगी, मतलब उसकी जो सबस्क्रिप्ट जो है उनकी का एडिशन उस एरे की वैल्यूज होगी। उसके बाद में हम प्रिंट 1D एरे को कॉल करते हैं, एरे 1 को प्रिंट करते हैं, एरे 2 को कॉल, एरे 2 जो 2D एरे है उसमें पहली और दूसरी एरे को प्रिंट करते हैं। प्रिंट 1D एरे फंक्शन है वो क्या करता है, तो वो सिंपली एरे 1 के एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है, एरे स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी सबस्क्रिप्ट इक्वल टू उसकी वैल्यू ऐसे प्रिंट कर रहा है। जो 2D एरे वाला है वो मैट्रिक्स के रूप में प्रिंट कर रहा है, मतलब एक दो नेस्टेड फॉर लूप है जिनमें एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है, हर एरे का एक एरे एक रो प्रिंट होने के बाद में न्यू लाइन प्रिंट कर रहा है। हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। रन, तो पहली एरे की हम साइज दे देते हैं जैसे 10, दूसरी एरे की हम दे देते हैं नंबर ऑफ रोज दे देते हैं 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दे देते हैं 4, नेक्स्ट के लिए नंबर ऑफ एरे रोज दे देते हैं 5 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दे देते हैं 2। तो ये आउटपुट आ गया है, फर्स्ट एरे जो है उसमें एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए। अब यहाँ पर बीच में एक साइज ऑफ वेरिएबल और था जो देखना हम भूल गए, फिर से देख लेते हैं। साइज ऑफ ये कहाँ रह गया, तो साइज ऑफ नाम बीच में हमने एक जगह साइज ऑफ एरे नाम से एक फंक्शन को कॉल किया है। साइज ऑफ एक डिफॉल्ट फंक्शन होता है सी प्रोग्रामिंग का जो किसी भी एरे या वेरिएबल की साइज हमें बताता है बाइट्स में। बाइट एक बाइट में 8 बिट होती हैं और ये एरे की साइज बताता है। नॉर्मली इंटीजर जो होता है, इंटीजर वेरिएबल 4 बाइट में स्टोर होता है, तो जो इंटीजर वेरिएबल्स की एरे होगी उसमें 4 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एरे में यदि 10 एलिमेंट लिए हैं इंटीजर एरे में तो उसकी साइज 40 बाइट्स होगी।
तो ये साइज ऑफ वेरिएबल हमें उसकी साइज बता देगा, एरे में टोटल कितने बाइट्स स्टोर हो काम में आ रहे हैं, जब मेमोरी में हम स्टोर कर रहे हैं तो कितनी मेमोरी ये ले रहा है। तो जब हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया तो सबसे पहले इसने, हमने पहला एलिमेंट हमने 10 दिया था इनपुट में, तो जो एरे है उसकी साइज 40 बाइट्स हो गई। जो वन डायमेंशनल एरे है उसके एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए तो ये सबस्क्रिप्ट स्क्वायर्ड नंबर्स प्रिंट हो गए। दूसरी एरे हमने ली थी 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो ये एरे टू डायमेंशनल एरे या मैट्रिक्स प्रिंट हो गई। दूसरी हमने 5x2 ली थी तो 5 रो और 2 कॉलम प्रिंट हो गए। अब हम देखते हैं ये वेरिएबल लेंथ एरे है उसको फिर से समझते हैं। तो ए वेरिएबल लेंथ एरे इज एन एरे हुज लेंथ और साइज इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एवलेटेड एट एग्जीक्यूशन टाइम। मतलब हम यहाँ पर जो वेरिएबल लेंथ एरे लेते हैं वो इस तरह से लेते हैं कि इसकी कितनी क्या साइज है, इसकी लेंथ क्या है, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ये जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उस समय डिसाइड करते हैं, ये पहले से डिसाइडेड नहीं होता। जब हम साइज ऑफ फंक्शन काम में लेते हैं तो वो हमें रन टाइम में उस वेरिएबल की कितनी, उस एरे की लेंथ क्या है, उसमें कितनी मेमोरी वो स्टोर करेगा, कितनी मेमोरी लेगा वो बताता है बाइट्स में। जब हम एक फिक्स्ड लेंथ एरे लेते हैं उसी की तरह जो वेरिएबल लेंथ एरे लेते हैं उसमें भी जो ये लिख रखा है एज द एज विद फिक्स्ड लेंथ एरेज देर इज नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेपिंग आउट द एरेज बाउंड्स ऑफ वेरिएबल लेंथ एरेज। जैसे हम यहाँ पर ये सबस्क्रिप्ट ले रहे हैं आई एंड जे, यदि यहाँ पर फिक्स्ड लेंथ एरे होती या हम वेरिएबल लेंथ एरे लेते हैं तो यहाँ पर हम आई और जे की यदि ज़्यादा वैल्यू ले लेते हैं, जैसे यहाँ रो 2 से ज़्यादा वैल्यू ले लेते हैं तो ये प्रोग्राम हमें कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं दिखाएगा, रन टाइम में यहाँ पर कुछ रैंडम वैल्यूज प्रिंट कर सकता है, हमें ये एरर नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। ये जो फंक्शंस हैं प्रिंट 1D एरे और प्रिंट 2D एरे, इसमें जब हम वेरिएबल लेंथ एरे को प्रोग्राम में भेजते हैं, एक फंक्शन में भेजते हैं, तो फंक्शन में एज ए पैरामीटर यहाँ पर नॉर्मल एरे की तरह ही, ये फिक्स लेंथ एरे की तरह ही ये वेरिएबल लेंथ एरे इनपुट में दे देते हैं, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होगा।